गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 2 ग्रोइंग प्लांट्स का जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर, यानी जो सही आंसर है उसको टिक करना है। जैसे 1 नंबर में दिया है, जंदियम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, यानी जंदियम जो सीड्स है, बीज है, वह किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा एनिमल, क्योंकि जंदियम सीड जो है वह जानवरों के द्वारा ही फैलाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, यानी नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे वेट है, राइस है, मेज है, तो इसमें से जो है रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल कौन सा है। तो इसमें ए हो जाएगा वेट, यानी गेहूं की फसल जो है वह रबी फसल होगी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वी वांट टू ग्रो ए न्यू ब्रियोफाइलम प्लांट वी नीड टू सर्च इट्स बर्ड्स ऑन द, यानी अगर आप जो है नए ब्रियोफाइलम पौधे को विकसित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि पत्तियों की किनारे जो है कलियां होती हैं, और उनको जब नमी युक्त मिट्टी में रखा जाता है तो उनकी कलियों से ही ब्रायोफाइलम का जो है नया पौधा विकसित होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, लीव्स। ठीक है, 4 नंबर में है, इफ यू वांट टू ग्रो वेट क्रॉप यू विल ग्रो इट्स सीड्स इन द मंथ ऑफ, यानी अगर आप जो है गेहूं की फसल उपजाना चाहते हैं तो किस महीने में गेहूं की बीजों को लगाना होगा। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में नवंबर, जून, जुलाई। तो हम लोग देखे हैं कि नवंबर से जो है अप्रैल तक रबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो यहाँ गेहूं की फसल जो है वह रबी क्रॉप्स है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, नवंबर। अब आगे देखेंगे, बी नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को भरना है। ठीक है, 1 नंबर में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स, और ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है प्लांट्स और सीड्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पौधे जो है हमारे हरे मित्र हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्लांट्स। 2 नंबर में है, फिल इन द ब्लैंक्स है स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेम्स और कोटिलेंड्स। तो कोटिलेंड्स को सीड लीव्स भी कहा जाता है। तो हम लोग देखे हैं पिछली क्लास में कि सीड लीव्स यानी कोटिलेंड्स में जो है बेबी प्लांट के लिए क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कोटिलेंड्स यानी सीड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्पर्सल ऑफ बाल्सम सीड्स टेक्स प्लेस बाय, ऑप्शन में दिया है वाटर और एक्सप्लोजन। तो हम लोग जानते हैं कि बाल्सम सीड जो है वह एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के द्वारा ही क्या होता है, फैलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सप्लोजन। 4 नंबर में है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज आर एडेड टू द सॉइल
टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन में दिया है मैन्यूरी एंड सीड्स। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी को जो है पोषक तत्वों की प्राप्ति कैसे होती है, जब खाद डाला जाता है यानी मैन्यूरिंग की जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मैन्यूरी, ठीक है। फाइव नंबर में है द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड, यानी आलू की जो कलियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में सीडलिंग और आईज। तो यहाँ जो है आईज हो जाएगा, यानी आलू की जो कलियाँ होती है उसको आँखें भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे सी नंबर में है मैच द फॉलोइंग, यानी कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है यानी मिलाना है। वन नंबर में दिया हुआ है खरीफ क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कॉटन। यहाँ खरीफ फसल जो है वह कौन सी है, तो कपास जो है वह खरीफ फसल है। टू नंबर में है रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स में हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में कि ग्राम यानी चना जो है वह रबी क्रॉप्स में यानी रबी फसल में आता है, तो टू का हो जाएगा ई ग्राम। थ्री नंबर में है सीड डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, यानी कौन सा बीज जो है जानवरों के द्वारा फैलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी टाइगर नेल, ठीक है। और फोर नंबर में है बेबी प्लांट, यानी छोटे पौधे को क्या कहते हैं, यानी छोटे पौधे को क्या कहते हैं, तो इम्ब्रो यानी भ्रूण भी उसको बोलते हैं, बेबी प्लांट को भ्रूण भी बोलते हैं। तो फोर नंबर का आंसर हो जाएगा ए इम्ब्रो। फाइव नंबर है सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर, यानी कोकोनट सीड जो है वह पानी के द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह फैलता है यानी चला जाता है। तो फाइव नंबर का आंसर हो जाएगा कोकोनट यानी बी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों जो है ये क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे जो है हम लोग दूसरे क्लास में बाकी का को जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। तब तक इसको जो है आप लोग रिवाइज करेंगे, ओके।